आज पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैं एक ही बात लवप्रीत के साथ करके हटा था, ड्रीम्स डू कम ट्रू। थोड़े से पॉडकास्ट का हिस्सा मैं भी रहा और आज मेरा अपना पॉडकास्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, यू नो, बट अ लिटिल बिट ऑफ क्रिएटिव माइंड्स और यू नो कुछ रिलेंटलेस लोग होते हैं इसके पीछे, आपका हर एक सपना सच होने के पीछे। और इसी कोटेशन का एक यू नो लिविंग प्रूफ, ड्रीम्स डू कम ट्रू, ही इज विद अस, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, IFBB प्रो, एमेचर ओलंपिया, ओवरऑल विनर, मेंस फिजिक, लवप्रीत सिंह इज हियर। और आज मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बेटर मौका नहीं है पॉडकास्ट स्टार्ट करने का, बिकॉज हमने लवप्रीत अराउंड 3 साल पहले जी भाजी मतलब हम एक दूसरे को मिले, है ना, दोनों के करियर की स्टार्टिंग्स जी। एंड आई थिंक आज की डेट में हम दोनों अपने करियर के टॉप पे, अपने आप अपने अपने फील्ड में एज अ यू नो टॉप डॉग्स। बहुत शुक्रिया वाहेगुरु का कि उन्होंने हमें ये चीजें निवाजी हैं। हाँ, और हम यहाँ पे हैं आपके लिए एक लिविंग प्रूफ लेके दैट ड्रीम्स डू कम ट्रू। यस, बट यू नो एक बहुत तगड़ा एफर्ट लगता है इन चीजों के पीछे, सिर्फ एक बंदा नहीं होता। अगर कोई कहे कि हाँ मैं अपने दम पे पूरा वहां पे पहुंच गया, अगर लवप्रीत बोले कि ये अपने दम पे वहां तक पहुंच गए, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, यू नो, एंड ऑफ द डे इट्स अ टीम वर्क। और लवप्रीत के सक्सेस के पीछे देर इज अ काउंटलेस पीपल, बहुत मतलब इतने ज्यादा लोग हैं मेरे ख्याल से कि कई बार गिनने भी मुश्किल हो जाते हैं कि हाँ कि सक्सेस के पीछे कौन कौन रहा है। हाँ जी, सबसे पहले सत श्रीकाल भाजी को साहब। सो यस, सबसे पहले ड्रीम कम्स ट्रू, ये यस इट कम्स ट्रू एक्चुअली। और जैसे आप बता रहे थे कि मेरी सक्सेस के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, मुझे ऐसे लगता है कि मेरी सक्सेस मेरी है ही नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि भाजी सक्सेसफुल होने के लिए क्या चीज़ लगती है, हम सबको पता कि हम कहते हैं कि हार्ड वर्क। तो मेरे साथ तो 500 कॉम्पिटिटर ने कम्पीट किया था। हाँ, और उन सब ने हार्डवर्क करके ही आए होंगे वो, उसके बाद या उसके साथ। आई एम अ बिग 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 बिलीवर इन ब्लेसिंग्स, प्रेयर्स, स्पिरिचुअलिटी। ये चीजों ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग करके वहां पे खड़ा किया हुआ था ना, नो मैटर व्हाट। इस बार सच में भाजी नो मैटर व्हाट कि कुछ भी रिजल्ट आए, कुछ नहीं आ रहे हैं, ठीक है, मैं गया तो डेफिनेटली, मैं सिर्फ, मेरी हमेशा अपने हरिभा जी कोच के साथ यही बात होती थी कि जब भी मैं स्टेज पे जाऊँ ना, मैं वन साइडेड विन करना है मुझे उसमें नहीं जाना। तो उसके लिए मुझे टॉप नॉच कंडीशनिंग अपनी लानी थी, मतलब अपना बेस्ट लाना था। इस पे भी बात करूँगा कि बहुत सारी चीज़ों ने रोकना चाहा कि नहीं करते, ये नहीं, ना खत्म हो गया, नहीं होगा, यू नीड अ ऑफ सीजन, यू नीड टू वर्क ऑन योर चेस्ट, यू नीड टू वर्क ऑन योर पोजिंग, यू नीड टू वर्क ऑन योर डेल्ट्स। बट आई न्यू दैट कि व्हाट आई नीड टू डू। जब मैं ये प्रैप कर रहा था ना, तो मैं उसमें अपनी स्टोरीज में ना ऐसे मेंशन करता ही रहता था, पोस्ट करता रहता था कि ब्रो आई नो व्हाट आई एम डूइंग। वो मैं एक साइलेंट मैसेज कन्वे कर रहा था कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन वाहेगुरु। और उसके साथ ये पूरी, इट्स अ नाउ दिस स्पोर्ट बिकम अ टीम स्पोर्ट, ये एक इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं रह चुकी इस टाइम पे। सक्सेस की बात करो तो डेफिनेटली भाजी, अभी देखो मैं आप ही की एग्जाम्पल दे दूँ कि एक मुझे पता है आपके अभी मल्टीपल बिजनेस चल रहे हैं, अभी ये पाजी आपको बता देंगे, ही सुप्रीम रिच, ट्रस्ट मी, आ रहे अच्छे पैसे। लेकिन उस सबसे पहले जो स्ट्रगल, आनंदपुर साहब से आया हुआ एक नॉर्मल सा सरदार मुंडा, उन्होंने कैसे चीजें पहले लर्न की, अडेप्ट की, देन इस फील्ड में आए, कॉप अप करने की कोशिश की, नाउ ही बिकेम अ लीडर। उसके पीछे
हमारी बात हो रही थी शायद लास्ट टाइम कि मैं जब आनंदपुर साहब से आया था तो ये सारी चीजें मैंने कहाँ से शुरू की थी और आज मेरे पास परमात्मा की कृपा ना क्या है। तो पाजी आपके पीछे भी देखो, सबसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि ना हमारे हम एक बोलते ना कि एक आदमी को सक्सेसफुल होने के लिए उसके पीछे औरत का हाथ होता है, एक आदमी को सक्सेसफुल होने के पीछे तीन औरतों का हाथ होता है। एब्सोल्युटली तीन औरतों का, माँ, बहन एंड योर लाइफ पार्टनर। और पाजी यू आर ब्लेस्ड विद अ भाभी जी जो उनको कोई इंट्रोडक्शन की या उनके बारे में मैं कहता हूँ क्या ही बोलूँ कि शी इज़ अ एमएमए फाइटर और पाजी इज़ अ कोच। देखो क्या डेडली कॉम्बिनेशन है कर दी गल कर चीज जी भी यही चीजें हैं पाजी की बहुत सारे लोग, मुझे खुद को नहीं मालूम इस चीजों का कि मेरे पीछे कितनी ब्लेसिंग्स हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो मुझे कोई ब्लेसिंग्स देता है ना, मैं बहुत कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ ना मैं बनने की गलती हम सब करते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमें पता भी नहीं होता कि हम सही कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों के लिए वो सही है, कई लोगों के लिए वो बुरा है। हम एक कई बार हम इस फाइन लाइन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और एज अ ह्यूमन बीइंग मैंने भी गलतियां की हैं, सब करते हैं, सब करते हैं, लेकिन मैटर करता है कि उन गलतियों से हम सीखते क्या है और अगली बार उन गलतियों को दोहराए ना। हाँ, और दूसरों की गलतियों से भी सीखें। सही बात, जरूरी नहीं है कि आपको हर गलती खुद करके ही सीखना है। हाँ, आप दूसरों की गलतियों से हाँ, भी सीख सकते हैं। आगे आगे इतना बड़ा खड्डा है, वो गिर गया बंदा और आपने नहीं गिरना, देख लिया उसने गलती कर ली, आप मत करो ज्यादा डोज मत लो, कहने का ये मतलब है। यस, ये थोड़ा डायरेक्ट हो गया मैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, राइट, लवप्रीत को सभी एज एन एथलीट सभी जानते हैं आज की डेट में, कि सारा इंडिया जानता है कि हु इज लवप्रीत, राइट, आईएफबीबी प्रो लवप्रीत सिंह। इवन अभी दुनिया भी जानती है कि दिस इज आईएफबीबी प्रो लवप्रीत सिंह फ्रॉम जलंधर, राइट, बट वेरी फ्यू पीपल नो दैट व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ लवप्रीत एंड लवप्रीत कहाँ से उठा बेसिकली, और क्या है, क्या हुआ, क्या है, क्या हो रहा है जिसने लवप्रीत को लवप्रीत एथलीट बनाया, राइट। सो लेट्स टॉक लवप्रीत। वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन भाई, गूज़बम्स मैन, सारा फ्लैशबैक हो गया, वेरी नाइस भाई, यस प्लीज गो अहेड। आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज फॉर वेरी फ्यू पीपल, है ना, बहुत कम लोगों के पास ये प्रिविलेज है जिन्होंने आपको और आपकी फैमिली को कंप्लीटली जाना, राइट। आई थिंक अर्श, yeah, he's right. The only one, yeah, yes, and now I think it's the perfect time to talk that what's the family of Lovepreet? Wow, is aaj pehli baar it's ye meri life ka shayad pehla podcast hai, main aapse zyada excited tha, hum baat kar rahe the wahan paaji podcast bhai nu podcast ke main kar raha hu, main kaha main pehla hone wala hu। तो ये जो चीज़ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये सच में मैंने किसी इंटरव्यू में नहीं बताई, किसी पोस्ट में नहीं बताई, कभी नहीं की। यहाँ पे चीज़ें बहुत ऑर्गेनिक होने वाली हैं। मैं अपनी लाइफ का एक एक चीज़ आपके सामने रखूँगा कि कैसे हुआ कि मैं जहाँ से बेसिकली जो मेरा रूट्स हैं, मेरा जो बर्थ है वो पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। उसके बाद जो मतलब मालवे वाले हैं, मालवा दुआबा दोनों पिंड है, ठीक है। उसके बाद मैं हमारा पिंड जो है, पिंड हमारा होम टाउन वो है कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में फूलेवाड़। बहुत छोटा सा पिंड है, गांव, लेकिन उस छोटे से गांव को बड़ा बनाने के सपने मेरे शुरू से थे। और उसके पीछे जैसे ना भाजी सपने लेते हैं ना, ड्रीम्स, तो अगर सोचना ही है, ड्रीम्स ही लेने हैं तो वो छोटे क्यों, बड़े क्यों नहीं। तो गांव में रहने वाला एक साधारण सा बच्चा, ठीक है, वहां से जंपल, वहां से अपब्रिंगिंग वहां से शुरू हुई।
घर का मेरा जो था एटमोसफेयर अच्छा था, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे जब हम पेंड थे, तो मेरे ताया जी और मेरे फादर साहब, मेरे चाचा जी सब स्पोर्ट्स में थे, कबड्डी खेलते थे, मेरे चाचा जी पोल जम के प्लेयर थे, तो घर में थोड़ा सा माहौल ये स्पोर्ट्स को लेके था। उसके बाद आज लोग ना आज बॉयल खाना शुरू हुए हैं कि आप अगर मुझसे जैसे कोई पूछता है कि इतने लंबे टाइम तक आप कैसे डाइट कर लेते हो, कितना मुश्किल है ये वो, तो मैं इसका आंसर देता हूँ, लोग आज डाइट करने शुरू हैं। मेरे ताया जी थे ना, जो ताया जी हैं जो मेरे, तो वो क्या करते थे, वो ना हम सभी कजन्स को ऐसे बिठा लेते थे और चिकन बॉयल करके दिसंबर के दिनों में वो हम सबके मुंह में ऐसे जैसे चिड़िया के मुंह में डालते दाना वैसे डाल देते थे, तो हम तब के खा रहे हैं, हमने बचपन के खाए हुए हैं वो चीजें, इसलिए हम नखरा नहीं करते। ठंडा चिकन मिल जाए नो प्रॉब्लम, बिना नमक के मिल जाए नो प्रॉब्लम। सो वहां से ही एक स्ट्रॉन्ग नींव जो थी वो रखनी शुरू हो गई। उसके बाद पाजी मेरे फादर साहब, मेरे से छोटी मेरी सिस्टर है, 3 साल छोटी है, तो उसके बर्थ के बाद वो सऊदी अरब चले गए, सऊदी अरेबिया, तो वहाँ पे उन्होंने 3.5 years लगाए, तो मेरी उम्र कुछ 6 साल हो गई थी तब, मैं 3 साल का था जब वो गए, तो मेरी 6.5-7 साल की उम्र होगी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये मेरी लाइफ का एक वो पार्ट था, मैं उसको याद कर रहा हूँ, मैं सच्ची आई एम गेटिंग इमोशनल कि वो सच्ची भाजी वो इदां दी चीज़ है ना, मैंने अपने फादर को 6 साल, मुझे ऐसे पहले 3 साल तो बच्चे को होश नहीं होती, मुझे ऐसे लग रहा था मैं अपने फादर को पहली बार देख रहा हूं, मैं उनसे पहली बार मिलने जा रहा था। मुझे आज भी याद है, गांव में हमारा घर है जो अभी भी, उसका ना ऐसे गेट बहुत लोहे का गेट है खुला, और ओमनी वैन आती है एक सीधी अंदर आती है, बाहर निकलते हैं डैडी निकलते हैं और मुझे पता चलता है कि डैडी आ गए। मैं तब मेरे दिल में ये हो गया, मैं यार इन्हें मैंने जाने नहीं देना कहीं पे, इन्हें कहीं नहीं जाने देना मैं। तो वो उसी दिन थोड़े टाइम के बाद है ना, से मेरे ताया जी कहते चल अब हम कहीं पे चलते हैं बाइक के पीछे बैठ, तो मैं तभी रोने लग पड़ा, मैं कहा नहीं मैं जाने नहीं दूंगा कहीं पे इन्हें। तो वहां से मुझे फैमिली का जो है ना एक खिंच कह लो या अट्रैक्शन या कोई कनेक्शन, वो स्ट्रॉन्ग मुझे वहां से होने शुरू हुए। तो तब फिर उसके बाद मेरे मदर थोड़े से बीमार रहना शुरू हुए, तो बचपन नॉट सो गुड बट इतना भी बुरा नहीं। मेरे मदर इतने बीमार होते थे कहीं भी फेंट हो जाते थे, तो पंजाबी से दंदल कहते हैं, आई डोंट नो उसमें कुछ को कह जाते हैं, तो वो हो जाते थे। उसके बाद फिर मेरे फादर होते थे, उनको पता था कि इनको कैसे सेटल करना है, सांस रुक जाती थी, बहुत टाइम बीमार रहे ठीक है, और मैं भी बच्चा, मेरे दिल पे बहुत उस दिलो दिमाग पे वो चीज़ें, मैं आज की डेट में अपनी माँ से अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड इस वजह से हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ें तब देख ली ना कि मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सच्ची बताऊं भाजी, आप ना रोड साइड में मुझे बताते हैं मेरे फादर और मुझे भी याद है, रोड साइड पे कभी कोई VIP आ रहा होता हो तो वो फ्लैग्स नहीं लगाते थे झंडे वेलकम करने के लिए साइड पे, तो पाजी मैं ये बच्चे की मासूमियत बता रहा हूँ एक, तो मैं इतना दुखी था ना अभी मेरी मम्मी ठीक हो जाए कैसे करके, तो मैं जब उनसे उधर से गुजरता था तो मैं ना उनकी तरफ वो देख के उन झंडों को, तो मैं हाथ ऐसे जोड़ता, मैं कहा बाबा जी मेरी मम्मी ठीक कर दो, आई एम रियली सो सॉरी। यस तो मैं ऐसे मुझे लगाव अपने पेरेंट्स के साथ होना शुरू हुआ। तो उसके बाद चलो बाबा जी ने भी सुननी शुरू की, तो मम्मी ठीक होने लगे, उनकी सर्जरीज हुई तो वो ठीक होने शुरू हुए। उसके बाद फिर हम बड़े हुए तो हम माइग्रेट होके हमारी एजुकेशन के लिए हमारे पेरेंट्स ने जो है वो अपना गांव छोड़ दिया, और मैं बहुत रोया था और सब ये कह भी रहे थे कि इन्होंने ये छोड़ दिया है गांव तो ये क्या बनेगा, नहीं बनेगा कुछ। हम जलंधर आ गए, मेरे नाना नानी जलंधर रहते थे, तो
हम जलंधर आए तो हमारी बेटर एजुकेशन के लिए, जलंधर जब आए तो फादर साहब फिर बाहर चले गए बिकॉज फाइनेंसेस हमेशा से पंजाब के कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़, तो चले गए वापस दोबारा से फिर। तो फिर ये टाइम था, मेरी 9 साल की उम्र थी जब हम जलंधर आए, तब मुझे 2 रोल प्ले करने थे 9 साल के बच्चे को। एक अपनी मदर को एज अ हस्बैंड, हर हस्बैंड वो सपोर्ट देना था, और एक एज अ सन। तो हमें छोटी उम्र में ही वो चीज़ें जिम्मेवारियाँ आनी शुरू हुई। घर में थोड़े पैसे होने तो तब भी फाइनेंशियली दिक्कत होती थी, लेकिन कभी चलो टच वुड हमारी पढ़ाई में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, पढ़े हम। फिर फादर साहब पहले उन्होंने बहुत मेहनत किया जी, मेरे नाउ ही इज़ इन, पिछले 20 सालों से वो हैं ओमान में, मोर देन 25 ईयर्स ओमान मस्कट। तो अभी वहीं पे हैं, वहीं पे जॉब करते हैं, अभी उनका अच्छा है सही है। लेकिन जब वो स्टार्टिंग में गए थे ना, ये नहीं कि वो ग्रेजुएट हैं, म्यूज़िक में ग्रेजुएट थे, और हाँ मेरा जो बैकग्राउंड ना थोड़ा म्यूज़िकल भी है, मेरे फादर साहब बहुत अच्छे वोकलिस्ट हैं, और मेरा ड्रीम भी है अभी कभी मैं उनका कुछ रिकॉर्ड करवाऊँ, और चल भी रहा है हमारा। तो जब वो चले गए तो बाद में ये, फिर ये सारी चीज़ें मुझे रियलाइज़ होनी शुरू हुई कि मुझे सब कुछ देखना है। एक चीज़ के लिए स्टॉप करूँगा जी, है ना, आज मतलब मैं इन चीज़ों को फील कर पा रहा हूँ कि हम दोनों व्हाई वी आर सो रेजिलिएंट, क्योंकि हम दोनों ने अपने दोनों के डैड्स को दिन रात एक करते देखा है हमारे लिए, अपनी फैमिली के लिए। और जो भी बच्चा ऐसे एटमॉस्फेयर में पैदा होता है जब बड़ा होता है, एंड ही नोज अ वैल्यू ऑफ हार्डवर्क, उसको पता होता है कि हार्डवर्क है क्या। सही बात है भाजी, राइट, मतलब जिसके घर में है ना, उसने बचपन से ये देखा है कि उसका बाप उनसे ज्यादा प्रायोरिटी काम को दे रहा है, किसके लिए, उनके लिए, के लिए, हाँ राइट, सही बात है। और आज मतलब मैं हमेशा, मतलब कई बार होता है ना कि पाजी इंस्पिरेशन, क्या इंस्पिरेशन है, इट्स प्लेन डैड, बिल्कुल हीरो सुपर हीरो डैड, डैड यस। और मतलब एक चीज ना जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, जो भी आगे यंग जनरेशन आ रही है ना, नो मैटर जिंदगी में आप किस चीज में कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना बनो, लेकिन एक सक्सेसफुल डैड जरूर बनना, बिकॉज यही है जो हमारे पास है और हमने अगली जनरेशन को देके जाना है। बी अ गुड डैड, और एक अच्छा कल्चर, एक हार्ड वर्किंग कल्चर अपने घर में डेवलप कीजिए। ये मतलब सबके लिए हेल्पफुल रहेगा, सिर्फ कहने की बात नहीं है, जब इस चीज को आप करोगे ना, और अगली जनरेशन को आप अपनी वैल्यूज पे चलता देखोगे, मेरे ख्याल से उससे सेटिस्फैक्टरी चीज कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भाजी, वही चीजें हैं कि आज की डेट में मेरी दादी के साथ मेरा बड़ा प्यार था। मैं आपको बताऊं कि जो आप कह रहे हो, उनके दिए हुई शिक्षा, उनके बताए हुए लेसंस हम आज उनको इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो मेरे पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स उस चीज को देख के पहले थैंकफुल होते होंगे कि हमारी अपब्रिंगिंग अच्छी हुई। हाँ। और अगर हम यही चीज आगे ये जो जनरेशन बाय जनरेशन इसको ऐसे ही कन्वे करते रहे, तो डेफिनेटली, क्योंकि रूट्स और ये सारी चीजों से हम जुड़े रहेंगे, तभी हमें एक, देखो पैसा करियर ये सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन आपकी वैल्यूज, आपके एथिक्स, वो एक तरफ है, वो दे आर जनरेशनल। तो एक्चुअली दे आर जनरेशनल, हम बोलें कि हाँ नहीं, वो जनरेशन से आते भी हैं, जिनको नहीं मिले कई लर्न करते भी हैं, कई बाद में भी करते हैं, देयर पेरेंटल जनरेशन इज नॉट कैपेबल टू टीच देम गुड, बट कई फिर भी अच्छे इंसान बने हैं। लेकिन मैटर डिपेंड करता है सीख के लेकिन फैमिली वैल्यूज मैटर करती हैं, उतना इजी रहता है। सही बात है। चलो मैं वहां से शॉर्ट स्टोरी उसको थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। तो फिर डैड बाहर गए, तो तब उनको भी बाहर जाके जब ना ग्रेजुएट हैं तो उनको वहाँ पे अच्छी जॉब के लिए बुलाया गया, लेकिन उनको जाके वहाँ पे लेबर करवाई, और लेबर भी ऐसी लेबर ना कि आपको पता है गल्फ कंट्रीज में टेम्परेचर क्या रहता है, तो धूप में लेबर। और गए वो उन पे प्रेशर कि वापस जाऊँ तो फैमिली, यहाँ पे कर ही लेता हूँ, तो डैड सुपर हीरो उन्होंने किया, बहुत सालों तक किया। उसके बाद
तब पैसे भी कम हो उनकी सैलरी थी, तब उनकी कंपनी ने देखा कि हाँ बंदा हार्ड वर्किंग है, देन दे प्रमोटेड हिम टू हायर डेजिग्नेशन। उसके बाद ठीक है, फिर मेरा स्कूल से कॉलेज हुआ, कॉलेज फिर चीज़ें मतलब कि हाँ ये मेरा फैमिली का ये था। अभी अभी डैड आते जाते रहते हैं बट स्टिल अभी दूर हैं, तो थोड़ा सा है एक मन में एक गोल ये है कि मैं जिस दिन अपने फादर, मेरे फादर मेरे घर मेरी फैमिली के साथ बैठ के परमानेंटली ये कहेंगे हाँ, तब वो सक्सेसफुल मानूंगा मैं अपने आप को। गोल्स जी, बिकॉज मुझे आज भी याद है जब पापा की रिटायरमेंट थी 2019 में, जी मैंने उनको बोला था कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या है ना, तो उन्होंने मेरे से एक चीज पूछी थी कि अभी रिटायरमेंट हुई नहीं थी, अभी बाकी थे 6 महीने कि आई वांट टू लिव विद यू, मैं मतलब आपके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे भी मेरा भी मन है कि मैं अपने ग्रैंडसन के साथ रहूं, उसको खिलाऊं, है ना। तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी कि मेरे जितना कमाने लग गया तू, वो 6 महीने मुझे पता है मैंने ढंग से सोके नहीं देखा, क्या क्या किया, कितना कितना किया, आई कांट इवन इमेजिन। लेकिन जिस दिन मेरे फादर रिटायर हुए थे उस दिन पापा की सैलरी थी 80,000 एंड उससे 1 महीना पहले मैंने अपना 1,00,000 का आंकड़ा पार किया था। Very nice. कुल मिला के सो इंस्पिरेशनल, राइट, सो इंस्पिरेशनल। एंड फेब में जैसे ही, क्योंकि 1 मार्च को ज्वाइनिंग थी उनकी और 28 फेब को उनकी रिटायरमेंट होनी थी, तो 28 फेब को उससे पहले 5 दिन पहले मैंने बताया उनको कि हाँ यू आर रेडी टू मूव। और एक फादर का सैक्रिफाइस इस चीज से मतलब मैग्निफाई होता है। यू नो हमारा आनंदपुर साहिब में अराउंड 10 मरले का कोठी है, 2 स्टोरी। पापा वो छोड़ के उस घर को ताला लगा के यहाँ मेरे साथ एक 2 रूम सेट में रेंट पे रहे आके। फाजी, एक बाप अभी देख लो आप, हाँ। बच्चा बड़ा हो गया है, कंप्लीटली इज अ ग्रोन अप मैन, और उसके लिए अब भी ये सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं। सैल्यूट टू ऑल डैड्स एंड भाई तानो भाई, रियली मैन। सो इसी से ना मतलब एक चीज जो मतलब मेरे माइंड में आई है ना, जब हमने डिसाइड किया था ना कि हम पॉडकास्ट करेंगे, राइट, बिकॉज मुझे पता था कि कुछ चीजें इमोशनल होंगी इस चीज में, राइट, तो एक छोटा सा इमोशनल पर्सपेक्टिव आज उठाएंगे हम, है ना, बिकॉज और भी ज्यादा है, मुझे तो लगा था ये बहुत है, नहीं जाएगा शायद और है, चलो आने दो। सो मतलब उस टॉपिक को छेड़ते हैं कि हर किसी की लाइफ में ना, चाहे वो अपना एडल्टहुड ले लें या बचपन ले लें, कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो बंदे को वो बनाता है जो बंदा आज की डेट में है। आज उस चीज के बारे में बात करते हैं, कुछ एक या दो इंसिडेंट जिन्होंने लवप्रीत को लवप्रीत एथलीट बनने के लिए यू नो पुश किया, यू नो मतलब इन अ हार्ड वे और अ गुड वे, इन एनी वे। पर इट वाज ओनली इन अ हार्ड वे, बिकॉज मेरा बचपन वो बहुत इंपैक्टफुल रहा इस थ्रू आउट माय लाइफ टिल नाउ। मैंने वहां तक की तो कॉलेज तक का सारा कुछ बताया आपको, लेकिन मेरी लाइफ में एक ये जो पहले इंसिडेंट बताए ये इनका इम्पैक्ट था एक, और एक मैंने आज बता रहा हूँ ये चीज, और सच्ची भाजी आज तो इतने इतने मैं खुलासे कर रहा हूँ, दिल की बातें कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात में इंटरव्यू नहीं लेगा, सब कुछ तो तुमने वहीं बता दिया। बट एनी हाउ ये बात है प्लस वन 11th स्टैंडर्ड की, मैं 11th ग्रेड में था, तो मेरे घर वालों ने मुझे ना मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से कॉमर्स रखने को बोला, तो मैंने भी रख ली कॉमर्स रखी, तो कॉमर्स शुरू में नहीं पल्ले पड़ रही, तो उन्होंने मुझे ट्यूशन्स के लिए बोला, तो मैंने एक ट्यूशन टीचर, ये ब्रो तेरे तक ये गल पहुँचनी चाहिए है to my tuition teacher, I'm telling you this. तो वो मिला, तो मैंने उसके साथ, he was, I respect all genders, but he was a gay. और वो मिला, तो मुझे क्या पता हम बच्चे
11th में बच्चे ही होते हैं, क्योंकि और मेरा जो पीछे से बैकग्राउंड था, मुझे पता है मेरे फादर बाहर हैं, मुझे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी और ये सब चीज़ें देखनी है, तो मैं भी कुछ नहीं। उस बंदे ने मेरे, चलो पहले 11th उसने मुझे करवाई, उसके बाद 11th में पढ़ाया उसने, थोड़ा बहुत 12th में पढ़ाया, और बाद में पढ़ाते पढ़ाते 12th में वो मुझे मारता था भाजी फिजिकली। उसने मुझे इतना मारना ना, सब बच्चों के सामने मुझे जलील करना, और मैं उसकी एकेडमी होती थी, जो एकेडमी का एक दुकान थी, जैसे 10 दुकान थी एक नॉर्मल की, वहाँ पे 20 बच्चे बैठ जाएं, तो वहाँ पे मेरी उम्र थी शायद 15 साल होगी, हाँ 15 साल 14 साल 14 15 15 साल, हाँ इतनी लगा लो। उस उम्र में उसको पता था कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, लेकिन कि मैं मतलब एक सहमा डरा सा बच्चा, जहाँ से पाजी मैं बिल्ड होना शुरू हुआ ना, मैं इसलिए इस बात पे स्ट्रेस दे रहा हूँ कि वहाँ से मुझे स्ट्रेंथ मिली है सारी की सारी। तो उस बंदे ने ना मेरे को कहना कि सुबह 4 बजे आ, सर्दियों के दिन 4 बजे आके एकेडमी में आना तूने, और यहाँ पे सफाई करनी है, पोचे लगाने, ठीक है, झाड़ू करना है, और उसके बाद सुबह का बैच जो होता है, पढ़ाता भी मैं वहीं पे था, मैं पढ़ता था और पढ़ाता था, बाद में उन्होंने पढ़ाना भी बंद कर दिया, मैं खुद पढ़ाता था बच्चों को। जैसे मैंने प्लस वन कर ली तो मैं प्लस वन के बच्चों को पढ़ाने लग पड़ा, मैंने प्लस टू कर ली तो मैं प्लस वन प्लस टू के बच्चों को पढ़ाने लगा, फर्स्ट ईयर में आया तो 9th 10th 11th ऐसे में पढ़ाने लगा बच्चों को वहीं पे। उस बंदे ने उन्हीं बच्चों के सामने, जिन जो मुझे अपना फ्रेंड टीचर बड़ा भाई मानते थे, उनके सामने उसने मुझे इतना जलील करना, मुझे थप्पड़ मारने, या बहुत बहुत ऐसी बातें भी ऐसी कहनी ना उनके सामने कि मैं जलील होके मर जाऊं, ऐसी ऐसी चीजें, और मुझे कई बार ऐसे बाहर निकाल देना कि बिना मतलब के मारता था, मार के बाहर निकाल देता था गेट के बाहर कि खड़ा रहे बाहर, और मैं बाहर ऐसे करके खड़ा हुआ कि मैं घर थोड़ी ना बता सकता हूँ कि मैं, मेरे डैड बाहर हैं, और मैं घर स्ट्रेस नहीं देना चाहता, मेरी वजह से मेरी फैमिली स्ट्रेस में ना आए, तो मैं बताता नहीं था। पाजी उसने बंदे ने बहुत टॉर्चर किया मुझे, बहुत टॉर्चर किया। तो उसके बाद फर्स्ट ईयर जब मैं कॉलेज में गया, फर्स्ट ईयर में मैं और अर्शम, वो बीए कर रहा था, मैं बीकॉम कर रहा था, तो उस दौरान उसने बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी थी 1 साल पहले। अच्छा। अब मेरे बारे जिसको पता है मेरे बारे में, वो अर्श के बारे में डेफिनेटली जानता है, इज माय बिग ब्रदर, इज माय डार्लिंग बिग ब्रदर, उसकी वजह से हूँ मैं जो आज भी हूँ, बिग क्रेडिट गोज टू हिम। तो उस बंदे ने देखा कि मैंने देखा कि हाँ उसने बॉडी बिल्डिंग शुरू की, तो मैं उसकी तरफ देखे, उसका जो सर्कल होता है ना, उसका सर्कल था कि जो गुलशन पाजी, मुझे याद है नाम, तो वो उसका उस्ताद था, तो वो उन्होंने बैठना बातें करनी ओलंपिया की, जे गटलर की, और डाइट खानी, जिम क्या करना, ये सारी चीज़ें, और मैं उनके साथ होता था, मैं सिर्फ ये चीज़ों को देख रहा होता था, मैं यार ये कर क्या रहे हैं, बातें क्या कर रहे हैं, क्या होता क्या है, ये चीज़ होती मुझे पता क्या है, मेरा इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, लेकिन मेरा कोई स्टार्टअप नहीं हो रहा था। तो इन्होंने जी, मैंने उनकी तरफ देख के, जैसे खरबूजे की तरफ देख, खरबूजा रंग बदलता साड़ी पंजाबी कहते हैं, मैं उसकी तरफ देख के मैं भी जिम ज्वाइन कर लिया, मैं 17 की एज में, तो मैंने जिम ज्वाइन किया भाजी। जैसे जिम मेरी लाइफ में आया ना भाजी, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरी जिंदगी जो बदली है ना, वो जिम ने ही बदली है, वो इस फिटनेस की देन है। मैं उस ट्रॉमा में से निकला, उस गंदे इंसान के, वो पाजी उसकी ना सब्जी की, मैं बताता हूँ आपको काम कैसे करवाता था। हाँ, उस एक डस्टबिन होता था उसी एकेडमी में पाजी, उसमें मैं उसमें बाथरूम करके चला जाता था, और मुझे कहता था कि ये तूने साफ नहीं किया, और मुझे नहीं साफ करता था, मुझे मारता था। उसके बाद उसकी ना सब्जी की दुकान थी बहुत बड़ी, जैसे आजकल सुपर मार्केट्स हैं, तो वो भी मैं खोलने जाता था, और वहां पर मैंने सब्जियां भी बेची। उसने कहा कि ये भी काम करना है तुझे, मैं ना बोलूं तब वो घर में बता नहीं सकता, अपने घर की गाड़ियां साफ करवाई, मेरे आसपास के दोस्त गुजर रहे होते थे गली में, और मैं उसकी गाड़ी धो रहा होता था। ये चीजें जब जिम आया पाजी, मैं मुझे इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हुआ ना, कि मैं इन चीजों से कैसे निकला हूं, किस कैसे कब निकल गया मुझे खुद भी नहीं पता चला। तो फिर मैं उसकी आंखों में आंखें मिला के बात करने लगा कि नहीं करना, नहीं
यू आर रॉन्ग. मतलब बदतमीजी नहीं की मैंने या कुछ नहीं किया, लेकिन ये चीजें उस बंदे को समझ लग गया था कि ये बंदा थोड़ा सा ना जवान हो रहा है और समझ आ रही है, अंदर से करेज जो है जाग रही है. पाजी फिर तब मैं बनाऊं स्ट्रॉन्ग इन चीजों से, मेरा